जितने भी हमारे नेता वहां गए हैं सभी को डिटेन करना शुरू कर लिया, माहौल को टेंस करना चाह रही है ताकि कल को हाई कोर्ट के अंदर वो ये कह सके कि देखिए यहां पे आकर किसानों ने ये किया, किसानों ने वो किया। नवदीप को लेकर आने के लिए वहां कुछ हमारे किसान नेता गए हैं तो उनको डिटेन करना ये बिल्कुल गलत बात है, इसकी अति निंदनीय और शर्मनाक बात है। किसी तरह का भी कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे किसानों के अंदर नाराजगी और गुस्सा बढ़े। सो इसलिए जितने भी हमारे साथी डिटेन किए गए हैं उन सभी साथियों को तुरंत रिहा किया जाए। किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी अभी एक सूचना मिली है कि जो बहुत ही मंदभागी सूचना है। देखिए, पिछले काफी लंबे समय से हमारा एक आंदोलन का साथी, आंदोलन का सहयोगी नवदीप जेल में बंद था। उसके लिए लगातार संगठनों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा था। पहले रेलवे ट्रैक पर आंदोलन किया, बाद में ये प्रोग्राम दिया गया कि उसके 17 और 18 तारीख को एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। उसके चलते सरकार की ओर से नवदीप जलवेड़ा को रिहा कर दिया गया। उसकी रिहाई के बाद, अगर रिहाई का समय देखिए, लगभग रात 10-10:30 बजे उसकी रिहाई हुई है। जब 10-10:30 बजे रिहाई हुई है तो उस समय, उस वक्त जिन लोगों को ये मैसेज मिला हुआ है कि भाई आप अंबाला के अंदर एसपी ऑफिस के घेराव के लिए आइए, वो तो लोग आएंगे, उनको तो सूचना रात को मिलनी पड़ेगी, सब सो जाते हैं उस समय। तो वो उन लोगों के लिए ये रखा गया था प्रोग्राम के जो भी साथी जिस समय जलवेड़ा को, नवदीप जलवेड़ा को रिहा कर दिया गया, उसी समय बाकायदा वीडियो बनाकर मैसेज दे दिया गया रात को लगभग 11:30 बजे कि भाई नवदीप को रिहा कर दिया गया है, अब एसपी के घेराव का कार्यक्रम मुलतवी किया जा रहा है। सिर्फ इतना काम बाकी था कि अनाज मंडी के, धान मंडी के अंदर किसानों ने एकत्रित होना था और जलवेड़ा, उस लड़के ने वहां जाकर लोगों का धन्यवाद करना था और उसको साथ लेकर इधर छम्बू बॉर्डर पे आना था। सिर्फ इतना कार्यक्रम था और किसी तरह का कोई कार्यक्रम बाकी नहीं था। प्रशासन की ओर से जो मंदभागी सूचना मिली है, जिसकी मैं बात कहना चाह रहा हूं, वो ये है कि इस हालात के चलते पुलिस ने जितने भी किसान, जितने भी हमारे नेता वहां गए हैं सभी को डिटेन करना शुरू कर लिया। ये क्यों किया जा रहा है? हालात को जानबूझकर हरियाणा गवर्नमेंट खराब करना चाह रही है, माहौल को टेंस करना चाह रही है ताकि कल को हाई कोर्ट के अंदर वो ये कह सके कि देखिए यहां पे आकर किसानों ने ये किया, किसानों ने वो किया। जबकि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा, ना तो जब तक बॉर्डर नहीं खुलेंगे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई है कि जब बॉर्डर खुलेंगे तब दिल्ली की ओर हम कूच करेंगे, तब तक किसी तरह का कोई ऐसा हमारा प्रोग्राम अभी तक बना नहीं। तो यहां ये भी क्लियर कर दिया कि एसपी का घेराव नहीं है, फिर भी हमारे वहां पे जो हमारे साथी आ रहे, जिनको सूचना नहीं मिली वो आ रहे हैं, और नवदीप को लेकर आने के लिए वहां कुछ हमारे किसान नेता गए हैं तो उनको डिटेन करना ये बिल्कुल गलत बात है, ये अति निंदनीय और शर्मनाक बात है। और हरियाणा गवर्नमेंट को इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरीके से काम नहीं चलता। आप
माहौल को जानबूझकर टेंस कर उस माहौल को खराब कर बाद में आप हाईकोर्ट के अंदर ये बात साबित नहीं कर सकते कि किसानों ने माहौल खराब किया, इसलिए हम इनको दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दे सकते, वो इसके साथ जोड़कर नहीं की जा सकती। और मैं सरकार को निवेदन करता हूं, काइंडली इस माहौल को शांत रहने दे, शांत रखें, किसी तरह का भी कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे किसानों के अंदर नाराजगी और गुस्सा बढ़े। सो इसलिए जितने भी हमारे साथी डिटेन किए गए हैं उन सभी साथियों को तुरंत रिहा किया जाए, वरना अगर फिर भी कोई हालात खराब होते तो उसकी जिम्मेदार हरियाणा गवर्नमेंट होगी। बाद में ये मत कहें जाकर के किसान खराब कर रहे हैं, हमारा किसी तरह का भी आज माहौल खराब करना या किसी तरह का एसपी का गिराव ऐसा कोई कॉल नहीं थी, वो हमने एसपी के गिराव की कॉल ऑफ कर दी गई थी, वो हमने वापस ले ली थी। लेकिन फिर भी अनाज मंडी के अंदर छात में भी किसानों को इकट्ठे ना होने देना ये एक तरह का तानाशाही रवैया है, ये सहन योग नहीं है, ये बर्दाश्त लोग नहीं करेंगे। मैं इसीलिए निवेदन करता हूं, प्लीज हरियाणा का माहौल शांत रखने के लिए केवल किसानों की जिम्मेदारी नहीं है, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी इस ड्यूटी को निभाए ताकि माहौल शांत रहे। केवल लठ के जोर पर शांति नहीं की जा सकती, नहीं करवाई जा सकती, हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, शांति बनाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, धक्के से शांति नहीं होती। जो इसके सब के जो किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है, अति शर्मनाक और निंदनीय, हम इसकी कड़े शब्दों से निंदा करते हैं और ये भी कहेंगे, चेतावनी देंगे हरियाणा गवर्नमेंट को कि अगर उनको डिटेन साथियों को रिहा नहीं किया जाता तो बाद में अगर हरियाणा का किसी तरह का भी माहौल खराब होता तो उसकी जिम्मेदार हरियाणा गवर्नमेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।